हमीरपुर जिला बीजेपी मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर में अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि आज चुनावों के समय में कांग्रेसी नेता फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमीरपुर की जनता समझदार है और कांग्रेस के झांसे में नहीं आएगी। हमीरपुर जिला बीजेपी मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर में अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि आज चुनावों के समय में कांग्रेसी नेता फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमीरपुर की जनता समझदार है जो कि कांग्रेस के झांसे में नहीं आएगी। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का काम लटका हुआ था तो देहरा यूनिवर्सिटी का काम भी पूरा नहीं हुआ था और अब चुनावों के समय में कांग्रेस इनको मुद्दा बनाकर भुनाने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव जैसे कि आप सबको हम सबको पता है, लोकसभा चुनाव अब आ चुके हैं और उनके तैयारियों में सब लोग रंगे हुए हैं, तो कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं वो चुनाव के दौरान सक्रिय हुए हैं केवल अपने आकाओं को दर्शाने के लिए। जब प्रदेश में भाजपा सत्ता में नहीं थी और कांग्रेस की सरकारें थी, तो केंद्र सरकार से जो हमारे माननीय आदरणीय सांसद अनुराग ठाकुर जी हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए लाए थे, तब ये हमीरपुर के कांग्रेसी नेता कहाँ सोए हुए थे? तब इनको क्यों नहीं आता था ये याद कि प्रदेश में जो इनकी कांग्रेस की सरकार बैठी है वो इन प्रोजेक्टों को लटका रही है। हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज की बात करें यदि, तो मेडिकल कॉलेज की जो विलंब हुआ कक्षाएं शुरू होने में, उसका कारण भी प्रदेश में कांग्रेस सरकार ही है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद जैसे ही प्रदेश में जयराम सरकार आई उसके बाद तीव्र गति से इस दिशा में काम हुआ और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जहां न केवल 100 बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनने के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ में यहां 100 के लगभग विशेषज्ञ डॉक्टर आए हैं जिससे आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल रही हैं, ये भी हमीरपुर में लाभ हुआ है। और अगर नंबर दो पर हम बात करें तो एम्स मेडिकल कॉलेज की करते हैं, कांग्रेस सरकार ने उसका भी काम लटकाए रखा, जमीन हस्तांतरण नहीं हुआ। अब जयराम सरकार बनी तो जमीन हस्तांतरित हुई, तो उसके बाद तीव्र गति से उसका भी काम चल पड़ा है। और वैसे ही देहरा यूनिवर्सिटी की बात है, देहरा यूनिवर्सिटी का मामला भी कांग्रेस सरकार ने लटकाया हुआ। अंकुश दत्त शर्मा ने कांग्रेस नेताओं से पूछा है कि जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी तो उस समय मेडिकल कॉलेज और देहरा यूनिवर्सिटी की याद क्यों नहीं आई, लेकिन अब जयराम ठाकुर के सीएम बनने के बाद विकास को देखकर कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। उन्होंने दावा किया कि इस बार फिर से अनुराग ठाकुर चौथी बार रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा में पहुंचेंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अब जब चुनाव आए तो लोगों को गुमराह करने के लिए तो बयानबाजी कर रहे हैं, तब ये कहाँ सोए हुए थे? जब प्रदेश में इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं आवाज़ उठाते थे हमीरपुर की, हमीरपुर की जनता की, यहाँ की समस्याओं की? तब भी तो यहाँ सड़कें टूटी पड़ी रहती थी, तब ये जो सड़कों के ऊपर नहीं कुछ बोलते थे, तब ये आवारा पशुओं के बारे में कुछ नहीं बोलते, तब ये सत्ता के मजे लूट रहे थे। अब यहाँ पे चुनाव असर पे आते ही ये अखबारों और बाकी मीडिया के माध्यम से बयानबाजी कर रहे हैं, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में काम किया है, जिसके बलबूते हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जो सीट है, खासकर सांसद अनुराग ठाकुर जी रिकॉर्ड मतों से इस बार फिर जीत का चौका लगाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर का मानना। कार्यक्रम में भक्तों चला छोटे से ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।